कांग्रेस पार्टी की भारत बचाओ रैली में सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी और अमित शाह ही संकीर्ण एजेंडा है, लोगों को लड़वाओ और असली मुद्दों को छुपाओ। मोदी को सिर्फ सत्ता की फिक्र है, वहीं मोदी सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष ने भारत बचाओ रैली में कहा कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ चुका है, देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। वहीं दूसरी ओर इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मुझसे बीजेपी नेता माफी मांगने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी तो मोदी और अमित शाह को मांगनी चाहिए। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं, मेरा नाम राहुल गांधी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में और साथी प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली आयोजित के दौरान इस रैली का उद्देश्य भाजपा सरकार की विभाजनकारी नीतियों को उजागर करना था। वही तीसरी खबर सामने आ रही है, पाकिस्तान के मंत्री ने दिया विवादित बयान, कहा भारतीय मुसलमान के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं मोदी। पाकिस्तान ने भारत के नागरिकता संशोधन विधेयक को प्रतिगामी एवं पक्षतापूर्ण बताया और इसे नई दिल्ली का पड़ोसी देश के मामलों में दखल को दुर्भावनापूर्ण इरादा बताया। सोमवार देर रात लोकसभा ने नागरिकता संशोधन विधेयक क्या को मंजूरी दे दी, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी के तौर पर 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए उन गैर मुसलमानों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की बात कही है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।